हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँ। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और आज की लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेली कहीं ना कहीं जाते हैं या कभी जाने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा वीडियो है ये गूगल मैप से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज के टाइम पे फ्रेंड्स आपको कहीं भी जाना है तो फ्रेंड्स किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ जाना है, किस गली में मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, फ्रेंड्स आपका ये सारा काम गूगल मैप करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल मैप जो पहले सिर्फ वेबसाइट पे यूज किया जाता था, लेकिन 2018 में इसका एक ऐप लॉन्च कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ऐप आप मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, इंस्टॉल करके इसे यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने इस वीडियो में गूगल मैप को किस तरीके से चलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में पूरी नॉलेज दूंगा। इसके साथ साथ गूगल मैप क्या है और गूगल मैप के और भी बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है कि आपको अगर कहीं जाना है तो बस आप गूगल मैप पे भरोसा कीजिए और उसके डायरेक्शन पर चलते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, सटीक और बिल्कुल कम दूरी डिस्टेंस सारा का सारा काम ये गूगल मैप करता है अपने आप। इसके अलावा जो गूगल मैप का न्यू फीचर है, आपकी लोकेशन के बारे में, अपने आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके किसी फ्रेंड्स को आपकी लोकेशन की जरूरत है उसके बारे में बता सकता है। आप अपने एड्रेस को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो गूगल मैप से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कि आप सैटेलाइट से आप अपने घर को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा आप गूगल मैप में अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत से काम आप इस गूगल मैप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो पूरा का पूरा गूगल मैप से है कि गूगल मैप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल मैप आप कैसे चला सकते हैं और अब आपको कहीं भी जाना हो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट की, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपके पास गूगल मैप नहीं है तो फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर पर जाकर के उसे जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल मैप इस तरीके से गूगल मैप आप लिखेंगे, गूगल मैप आपके पास आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए गूगल मैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसने अपडेट मांगा हुआ है तो आप इसे अपडेट कर लीजिए यदि आपका गूगल मैप अभी अपडेट नहीं है। ठीक है, और यदि इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी मैं फिलहाल इसे अपडेट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अपडेट करने के बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए गूगल मैप इस तरह के जैसे फोल्डर में है, आपको कहीं ना कहीं गूगल मैप आपका इंस्टॉल होकर पड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको गूगल मैप को ऑन कर लेना है। गूगल मैप को ऑन करने के बाद मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि आप गूगल मैप को कैसे यूज करते हैं। तो बताऊँ फ्रेंड, गूगल मैप का जो सबसे मेन यूज है वो है डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहाँ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है गूगल मैप में, तो आप गूगल के मैप के थ्रू आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें कुछ फीचर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर इसमें ये जो दो फीचर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये दोनों फीचर्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं। ये जो है ये आपकी लाइव लोकेशन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव लोकेशन एकदम सेट हो जाएगी। ये देखिए यू आर हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपकी पूरी जो जहां पे आप हैं वहां पे पूरा का पूरा ये मार्क कर देगा। ठीक है, इससे आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे यहां से नॉर्थ। तो फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, ये आपकी पूरी पूरी लाइव लोकेशन है यहाँ की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें दिक्कत ये आती है कि ये तो हो गया, अब मुझे कहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आपको जो ये दूसरा ऑप्शन है गो का, ठीक है फ्रेंड्स, गो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने आपकी लोकेशन ले लिया, योर लोकेशन, और चूज डेस्टिनेशन यानी कि आपको जहाँ पे जाना है वहाँ का एड्रेस आपको इस पर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो मान के चलिए कि मुझे मथुरा जाना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मथुरा का मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है मैप इसने शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मथुरा आपको कैसे जाना है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप कार चला रहे हैं तो देखिए ये ऊपर इसने शो कर दिया है कार का। ठीक है फ्रेंड, और कार की देखिए टाइमिंग, देखिए मैं यहाँ पे टाइमिंग दिखा दूँ आपको, 2 hours 31 minutes, यानी कि अगर यदि आप कार से जाते हैं तो 2 hours 31 minutes लगेंगे और इसकी पूरी की पूरी दूरी जो है वो 151 किलोमीटर की है।
ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप बाइक से हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइक पे क्लिक करते ही आपका ये शो कर देगा 2 hours 53 minutes, ठीक है फ्रेंड्स, और 154 किलोमीटर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, यदि आप ट्रेन का पता करना चाहते हैं तो यहाँ ट्रेन से देखिए आपके जो जाने के समय में देखिए कोई ट्रेन का कोई डाटा नहीं दिखाई दे रहा। और यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 1 day 5 hours लगेंगे आपको और 145 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे आपको जाना है उस चीज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें तो बाइक से जाना है, ठीक है फ्रेंड, बाइक से हमें मथुरा जाना है। तो ये देखिए, इसने जो ये ब्लू कलर का दिखा रखा है ना, ये आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन दे रखा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गूगल मैप जो है जो सबसे शॉर्ट डायरेक्शन आपको बताता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो छोटे से छोटा रास्ता होता है। बट आप इसमें ये देख सकते हैं, ये स्लेटी कलर का जो एक रास्ता दिखा रहा है, इस रास्ते से भी आप मथुरा पहुंच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मथुरा। बट ये जो है ये रास्ता छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको फिर भी इसी रास्ते से जाना है, बाय चांस आपको इस रास्ते से होके ही जाना है, यहाँ पे किसी से कुछ काम है, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्लू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इस रास्ते से इसे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिस रास्ते से जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, उस रास्ते पे आप चूज कर सकते हैं, ये ब्लू कलर का टिक उस पे आ जाएगा। आप कार से जाना है, बाइक से जाना है, जैसे जाना है आप उसे सेट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नीचे देखिए स्टार्ट का एक बटन आता है, स्टार्ट के बटन पे आपको जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बिल्कुल अब ये नेविगेशन स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये आपका जो इसने नेविगेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि आप चलने के लिए स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। और आप जैसे जैसे जाते जाएंगे, ये देखिए इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड, वो आपको डायरेक्शन बताता जाएगा जैसे जैसे आपको जाना है, ये वैसे वैसे मुड़ता जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा, इसको आपको हमेशा देखना नहीं, यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। और ये स्पीकर पे ये ऑन रहेगा तो आपको स्पीकर ये बोल बोल के आपको बताता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताता रहेगा जैसे जैसे आप पहुंचेंगे जहां जहां जाना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें जो रेड कलर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रेड कलर क्यों आ रहा है, ये रेड कलर ये इसलिए है कि आप इस यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको इस स्थान पे जो है कि ट्रैफिक का जाम मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा का सारा आपको दिखाता है। और ये देखिए ऑरेंज कलर क्यों दिखा रहा है, मैं आपको बताऊँ तो ऑरेंज कलर ये इसलिए दिखा रहा है, यानी कि इस रास्ते में आपको बहुत ही स्लो चलना है, यानी कि यहाँ पे कुछ रुकावट है, हल्की फुल्की कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपको जो है अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में लेके जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ वहाँ पे हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चलते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा डायरेक्शन देता रहेगा, जहाँ और जैसे बताता जाएगा आपको उसी तरीके से मुड़ते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो इसमें एक आता है रीसेंटर का, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन किस लिए, ये इसलिए कि बाई चांस आप कहीं किसी गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, कहीं नेविगेशन कुछ और चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाए, तो जैसे ही आप रीसेंटर पर क्लिक करेंगे आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप रस्ते में हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिक्कत ये महसूस हो रही है, यार पेट्रोल पंप यहाँ पे है या नहीं है, या कोई रेस्टोरेंट आपको खाने का मन कर रहा है तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे है या नहीं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीक का देखिए, पेट्रोल पंप नियर मी, नॉट श्योर हाउ टू हेल्प विद पेट्रोल पंप नियर मी, शोइंग रिजल्ट्स फॉर पेट्रोल पंप नियर मी अलोंग योर रूट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे स्पीक किया, इसने मुझे बता दिया कि आपके आसपास कौन कौन से पेट्रोल पंप हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है उसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं भारत पेट्रोलियम पे यहाँ से पेट्रोल भराना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपके एड स्टॉप यानी कि जो आपका ये एड्रेस है इसे सेट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस रास्ते से निकलेंगे तो पहले आपको ये पेट्रोल पंप लेके जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पेट्रोल पंप ले जाने के बाद फिर आपको अपने स्थान से स्टार्ट कर देगा ले जाने के लिए। तो आप जैसे ही यहाँ से चलेंगे, ठीक है फ्रेंड, चलने के बाद आपको पहले ही पेट्रोल पंप लेके जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस स्थान पे जैसे ही आप पहुंचेंगे ये आपको पेट्रोल पंप के लिए इस थोड़ी सी गलत डायरेक्शन अलग दिशा में लेके जाएगा, फिर पेट्रोल पंप भरने के बाद आप सीधे वापस अपने रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा का सारा गूगल मैप करेगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह सर्च करना चाहते हैं, आप कहीं रास्ते में आपको रेस्टोरेंट देखना है, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, उसी तरीके से स्पीक पे ऑन करके बटन दबा करके, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोल देना है कि रेस्टोरेंट नियर मी, देखिए रेस्टोरेंट नियर मी, नॉट श्योर हाउ टू हेल्प विद रेस्टोरेंट नियर मी, शोइंग रिजल्ट्स फॉर रेस्टोरेंट नियर मी अलोंग योर रूट।
देखिए फ्रेंड्स, आपके रूट पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, सारे के सारे शो कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं चाहता हूँ कि यार ये द ग्रिल हाउस, नहीं 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 कोई सा, चलो यार कोई सा भी ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में इसे ले लेता हूँ, ब्री स्वीट्स। तो फ्रेंड देखिए, इसे भी ये ऐड कर रहा है, यानी कि आपको पहले ये रेस्टोरेंट भी लेके जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट भी जाएंगे, पेट्रोल पंप भी जाएंगे, सारा काम ये खुद करेगा। देखिए एडिंग द रूट, इसने रूट में उसे ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट और जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप देखना हो या फिर कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, इसमें जो ये डायरेक्शन का बटन आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली आपकी जो नेक्स्ट स्टॉप है उसको बताएगा, यानी कि जो आपका पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट, जो आपका रेस्टोरेंट पहले है तो आपको उसको बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके देखिए पूरी की पूरी डायरेक्शन को बता देगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको जो ये ब्रिज रेस्टोरेंट में आपको पहले जाना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे चाहें तो रिमूव कर सकते हैं अगर आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है फ्रेंड, या फिर आप नेविगेशन में कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, योर लोकेशन, ठीक है फ्रेंड, टू स्टॉप और मथुरा, यानी कि आपको दो जगह रुकना भी है। तो कौन कौन सी जगह पे, देखिए योर लोकेशन, ब्रिज स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, ये पेट्रोल पंप से पहले है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर भारत पेट्रोलियम, फिर आपको मथुरा जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा इसने नेविगेशन आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, यानी कि मथुरा के बाद भी आप कहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐड स्टॉप का बटन है, जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे सर्च करके उस जगह को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मथुरा से आगे का तो मुझे अभी कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ना ही मुझे जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका डायरेक्शन का। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसमें यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए ऐड ए रिपोर्ट, ऐड ए रिपोर्ट का एक ऑप्शन है इसमें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कार क्रैश, यानी कि देखिए अगर आपके आसपास कोई एक्सीडेंट हुई है रस्ते में तो आपको यहाँ पे क्लिक करके उस डायरेक्शन, उसको जगह को आप शो कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये काम आप बाहर से भी कर सकते हैं, देखिए ये प्लस का जो बटन, ठीक है, जैसे ही क्रैश पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस जगह पे ये क्रैश दिखा रहा है, यानी कि दूसरे लोगों को ये पता चलता जाएगा कि यहाँ पे जो कुछ दुर्घटना हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और चाहे तो फिर दूसरे बंदे, जब मान लीजिए वहाँ पे एक्सीडेंट का कुछ काम क्लियर हो जाता है तो उस जगह को हटा भी सकते हैं, यानी कि रास्ते में अगर कोई दूसरा बंदा आ रहा वो देखे यहाँ पे यार एक्सीडेंट नहीं हुआ या कि एक्सीडेंट हुआ था हट गया है, तो फिर उसे उस चीज़ को हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइव हो जाएगा दूसरों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और ऑप्शन देख लेते हैं ऐड रिपोर्ट का, तो आपको पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर ट्रिप प्रोग्रेस, यानी कि आप अपने ट्रिप के बारे में किसी को बताना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई आप अपनी जो भी आप ट्रिप है, जो भी उसकी लोकेशन आप बताना चाहते हैं कि ये ट्रिप की मेरी क्या डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी ट्रिप को शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो आप यहाँ से सीधे सीधे शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपनी रियल टाइम लोकेशन भी शो कर सकते हैं किसी फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉप यहाँ से आप चाहें तो वापस इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि नहीं यार उसे पता ना चले, अब मैं यहाँ से अपनी लोकेशन को जो बंद करना चाहता हूँ, जो शेयर करना है मुझे, तो यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये स्टॉप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइव लोकेशन की। अब ये देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सर्च अलोंग रूट, सर्च मैंने अभी बोला था वो स्पीक करके, वो सारा का सारा यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यानी कि रस्ते में पेट्रोल पंप है या देखिए मैंने दिखाया ना आपको पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप वगैरह, ये सारा का सारा आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये काम आप बाहर से भी कर सकते हैं, स्पीकर से भी कर सकते हैं, और ये यहाँ से सेटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही मेन चीज़ें हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं कि मतलब आप कहाँ पे हैं, कैसे भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सारा रास्ते में कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, आपको पूरी तरह से पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आज आप भी गूगल मैप चलाना सीख गए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको आज कहीं जाना है तो प्लीज गूगल मैप के थ्रू ही जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा कोई दिक्कत आती है आपको गूगल मैप चलाने पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्योंकि इससे इसी प्रकार के मैं वीडियो लाता रहता हूँ जिसकी आपको डेली डेली लाइफ में कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहती है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं, बट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।